अपने प्रदेश अध्यक्षों को, सीएलपी लीडर्स को ये कह चुकी है कि भाई तैयारी शुरू करो, किसी समय भी कल को अगर इलेक्शन आते हैं तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो, और किस कहां से किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से कैंपेन स्टार्ट करनी है, और कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और क्या मापदंड है कि कैसे व्यक्ति जीत पाएगा और कौन जीतेगा, और इसमें तमाम कास्ट कॉम्बिनेशन, तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से आप जरा आपका हिसाब किताब बना के रखो, जल्दी आपसे मीटिंग करेंगे और फिर बताएंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना। सर, कोई जरूरी था नहीं जी, पहला लोग चुनाव लड़े ने भी उन्होंने रिपीट किया, चेंज किया जा सकता है जी? नहीं, मैं देखो ये फैसला, अंतिम फैसला ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने करना है और राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने करना है, लेकिन मेरे को लगता कि पूरे देश भर में जो लोग जीत पाए चुनाव, चाहे वो कोई भी हो, उनको मेरे को लगता इस बार सीरियस कैंडिडेट लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से हालात हैं, हमें ऑन मैरिट, ऑन ग्राउंड्स और नॉट इमोशनली, हमें प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, और जो प्रोफेशनली लोग जीतने वाले होंगे और मैरिट वाले होंगे, उनको टिकट अगर पार्टी देगी, क्योंकि ये मैंडेट तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का है, मेरा नहीं है, तो अच्छा हो। सर, जिस तरह से कोई बात की है, खासकर अब क्योंकि अलायंस का भी समय आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बात रखी गई है? नहीं, इवन मैं ये भी आपसे क्लैरिटी कर दूं, बहुत से हमारे नेता सक्रिय रहते हैं बयान देने को, मेरी बात कई कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता लड़ लो, कोई कहता ना लड़ लो, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाई कमांड यानी कि खड़गे साहब, कोई ऐसा कोई संदेश आएगा तो मेरे पास आएगा बींग ए पीसीसी प्रेसिडेंट, इस प्रकार का अभी कोई किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया है कि आपको कहीं इकट्ठे लड़ना है, कोई तैयारी करो, अलायंस करो, आप इन चीजों को, उन्होंने अभी तक टिल टुडे जो परसों मीटिंग हुई थी, यही चर्चा रही कि किस प्रकार से हमने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या हमने चीजें चेक करनी है, तो अभी तक किसी प्रकार का कोई इशारा नहीं दिया है। हाईकमांड जब इशारा देगी तो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं अपने मन में कितनी देर छुपा के रखूंगा। कोई भी ऐसी बात है, अगर हाईकमांड चाहेगी, अगर अलायंस की बात मान लो हो, तो मैं, मेरे को बताने से क्या गुरेज है, अभी तक क्योंकि अल्टीमेटली तो हाईकमांड ने जो कहना है वो होगा, पर हाईकमांड भी आज की डेट में यही चाहती है, और जो हमें डायरेक्शन दिया है हाईकमांड ने, मेरे को कल कहे कि नहीं 5 सीटों पे काम करो, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई ठीक है, 5 पे करता हूं। मेरे को अभी ये, अभी तक परसों की मीटिंग तक यही संदेश है कि आपने 13 की 13 की सीटें की तैयारी करो, कास्ट कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल कास्ट आप बनाकर बताओ, और ऐसा बताओ कि कौन कौन से लोग आपके पास हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। साहब, कल जिस तरह से होम मिनिस्टर ने नेहरू को टारगेट किया, एक मिनट, जो कांग्रेस में हमेशा रहा है आपस में, क्या इस बार कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं रहा? आपको लग रहा है कोई है? पिछले 1.5 साल से मेरे को लगता डिसिप्लिन में अगर कोई पार्टी, और बिना ताकत के, ताकत में तो सब डिसिप्लिन रहते हैं, आप चाहे तोमर जी को मंत्री पद से उतार के उनको स्पीकर बना दो, चाहे रमन सिंह को जो मुख्यमंत्री रहे उनको स्पीकर बना दो, क्योंकि आपके पास डंडा है, आपके पास तमाम सी एजेंसीज हैं, आपके पास उनकी सबकी कईयों कईयों की रिकॉर्डिंग है, बिना ताकत के आज कांग्रेस में आप देख लो, पंजाब के अंदर 18 MLA हमारे, कहीं से इधर उधर से कोई आवाज आ रही है तो बताइए, ऐसा कोई इक्का दुक्का कोई घटनाक्रम हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज पार्टी पूर्ण तौर पर डिसिप्लिन। सर, कल जिस तरह से 370 पे अमित शाह जी ने नेहरू जी का नाम लिया और जिस तरह से बयान दिया, उसको किस तरह से देखा? अब देखो, पहले बार नेहरू जी के बारे में किसी बात की निंदनीय टिप्पणी करना, ये आप, ये आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक नया रिवाज डाला जा रहा है, किसी ने यहाँ पर रहना तो नहीं है,
कोई यहाँ पर पक्के तौर पर स्थिर नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी पक्के तौर पर स्थिर है, ना नेहरू जी थे, ना मैं हूँ, ना आप है। लेकिन देश का पहले प्रधानमंत्री, उनकी अपनी बात बढ़ाने के लिए किसी को नीचे दिखाना, मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मैं उस बात की निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, हम कल कहेंगे यार उसने ये फला कर बहुत, तो इन बातों का मेरे को लगता थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर कोई जिवें तुसी क्या भी कैंडिडेट तुसी देख रहे हो, कोई बलकौर सिंह जी ने इच्छा जताई है कोई चोन वास्ते या नहीं? नहीं, बलकौर सिंह जी ने साडे कोले किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताई। अगर बलकौर सिंह जी इच्छा जताउणगे जां उनकी इच्छा होएगी, अजे किसी प्रकार की गल नहीं हुई, तो बलकौर सिंह जी मोस्ट वेलकम, सानू इस तो चंगा कुछ होर होएगा ही। अगर बलकौर सिंह जी, असि पुछांगे बलकौर सिंह जी नू, अगर परिवार यह चाहता होगा, ये परिवार का डिसीजन है। मैं पहले दिन को क्या कि मूसे वाले परिवार नाल दिली संबंध सीगा, दोस्ताना संबंध सीगा, प्यार सीगा, उन्होंने कदे राजनीति की गल इस प्रकार नहीं की। शुभ दी पाप चाहते सन चुनाव लड़ना, इसे करके उन्होंने पार्टी ने लिया के राहुल गांधी जी ने स्पेशली उन्होंने लड़ाया गया। आज भी अगर माता जी बलकौर सिंह जी अगर इच्छा जाहिर करेंगे बतौर प्रधान ते उन्होंने परिवार के नेड़ले संबंधा चो होने के नाते मैं उन्होंने पूछांगा, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हाथ जोड़ के घरे जाके असि उन्होंने सम्मान करके आऊ। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को अभी तक ये नहीं पता चला कि इंटरव्यू किसने किया, इंटरव्यू पता तो है हर चीज के बारे में, जब मुख्यमंत्री साहब को 50-50 साल पुरानी चीजों के बारे में